22-23 तारीख के बाद बहुत ज्यादा चांसेस है प्राइसेस दोबारा वहां आ जाए जहां पहले थे। व्हाइट कॉट एक ऑप्शन है नजर आता है जो सामने है। लॉन्जी हेमोसिस है, लॉन्जी हेमोसिस मेरे पास 585 वॉट में अवेलेबल है। ये भी मोनोफेशियल है यानी सिंगल ग्लास है। और सोशल मीडिया का दौर है आजकल, सब लोगों को अवेयरनेस इतनी है कि असल जो एक्चुअल प्राइस होती है जो चाइना से इंपोर्ट करते हैं इंपोर्टर बहुत ही लो प्राइस में करते हैं। सही। उसके बाद फिर वो जब मार्केट में जाहिर है जब सेल करते हैं तो उसमें और रेट में उनके रेट में जमीन आसमान का फर्क होता है, काफी प्रॉफिट कमाते हैं। जी ये आपके सामने जिनको एंटरटेनमेंट, ये मेरे पास 575 वॉट में अवेलेबल है। रेट अभी नीचे आएंगे, रेट आने तो नहीं, नीचे उम्मीद है 90% उम्मीद है कि रेट नीचे आए। अभी इस वक्त ऐसी कोई सूरत नहीं कि ये पैदा की गई। अच्छा ठीक है, बॉयकॉट उस सूरत में जब हमें समझ आता है जब तो सूरत इंपोर्टर्स की जानिब से पैदा की जाती है, दुकानदार की जानिब से पैदा की जाती है कि जिसमें वो माल को स्टॉक करके रोक लेते। ऐसा नहीं है क्या? ठीक है, ऐसा मामला है नहीं, मैं नहीं समझता कि इस सिचुएशन में फ़ायदा देगा। बाकी गुज़िश्ता सिचुएशन जी थी जब माल रेट 100 से ऊपर चला गया जी, तो उस वक्त बॉयकॉट किया गया और फ़ायदा भी आया। पर मेरे पास राइजर में पैनल अवेलेबल है 550 वॉट, ठीक है, पी टाइप है, तो आपको दोनों मिल रहे हैं, पी टाइप भी मिल रहा है, एन टाइप भी मिल रहा है जी। और रेट में ज़्यादा फ़र्क है तो फिर आप एन टाइप की तरफ ना जाओ, पी टाइप उठा लो। ठीक, आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत जब है कि जब आप नेट मेट्रिक करा रहे हो, ताकि जब आपके पास नेट मेट्रिक के लिए अप्रूवल देने के लिए ऑफिसर आता है नेप्रा की जानिब से, या फिर जो आपके इलाके के वो शहर के जो इलेक्ट्रिक के इदारे हैं जैसे कराची का के इलेक्ट्रिक है, तो वो उनके अफसर जब आए आपके पास वेरिफिकेशन करने के लिए, तो फिर उन्हें आप मुहैया कर सको, दिखा सको। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं हसनैन? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपको पता है कि पिछले 2 महीनों से मुसलसल सोलर पैनल के प्राइसेस नीचे आ रहे थे। सही। लेकिन अभी कुछ दिनों से मार्केट एकदम ऊपर गई है और प्राइसेस का मुसलसल इजाफा ही हो रहा है। मार्केट की जो अभी करंट सिचुएशन है उसमें आप बता सकते हैं कि अभी जो फिलहाल एकदम इजाफा हुआ है इसकी क्या वजह है? इसकी वजह जो थी शॉर्टेज, शॉर्टेज एक बेसिक उसूल चलता है डिमांड सप्लाई का, कि जब डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई कम हो जाती है तो उस वक्त जो है आइटम के रेट बढ़ जाते हैं। तो जो माल आना था 12 को, वो 12 जनवरी को जो माल आना था जी, क्लियर होना था, वो माल 12 जनवरी को क्लियर नहीं हुआ। जो फिर आना था 15 जनवरी को, 18 जनवरी को क्लियर होना था, वो क्लियर नहीं हुआ। अब वो माल आहिस्ता आहिस्ता 18 जनवरी के बाद आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो रहा है और उम्मीद है कि 20 जनवरी तक पूरा क्लियर हो जाएगा। तो जब माल नहीं था, डिमांड भी थी, तो इस वजह से क्या हुआ कि सप्लाई कम हो, डिमांड बढ़ गई, तो उसमें रेट जो है वो जम के रेट ये के तकरीबन हमारे पहले पिछले से पिछले हफ्ते 47-46 तक लॉन्जी हेमोसिस था। बिल्कुल, अभी हेमोसिस की जो प्राइस थी वो 55 से अबव चली गई, 55 से ऊपर गई है इस हफ्ते में, 55 से ऊपर चली गई थी। इसी तरह एन टैप की 57 से ऊपर चली गई थी और पी टैप बिल्कुल शॉर्ट हो गया, मतलब मिल ही नहीं खुशी जिनको का। हमने जब लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें तो काफी प्राइस नीचे थे, उसको काफी प्राइस थे, और अभी वो जो प्राइसेस के हवाले से अगर बात की जाए तो वो बिल्कुल हमारे जो व्यूवर्स हैं वो कह रहे हैं कि भाई इतने ज़्यादा प्राइसेस हो गए कि वो परचेसिंग करना मुश्किल हो रहा है। सही। तो ये बताइए कि अभी जो करंट सिचुएशन है उसमें इसके प्राइसेस नीचे आने में कितना टाइम लगेगा और कहाँ तक नीचे आएगी? जी इंशाल्लाह जल्द, ये 22-23 तारीख के बाद बहुत ज़्यादा चांसेस है प्राइसेस दोबारा वहाँ आ जाए जहाँ पहले थे। अच्छा, यानी कि अभी जो डेली बेसिस पे जो रेट अप डाउन होते हैं, कभी 1-2 रुपये बढ़ जाते हैं, कभी नीचे आ जाते हैं, तो इससे भी काफ़ी फर्क पड़ रहा है। हाँ ये बात तो है, डेली बेसिस पे इतना फ्लक्चुएट होता नहीं है, लेकिन ये इसका कोई हमें पता नहीं है, दुकानदार को यहाँ तक कि इम्पोर्टर को भी नहीं पता होता कि अगले दिन मार्केट के रेट क्या होगा। क्योंकि एफनेट जब प्राइजेस कम थे तो एंड यूज़र बहुत खुश थे, इंस्टॉलेशन करवा रहे थे और मुसलसल वो यही सोच रहे थे कि मजीद कमी होगी, लेकिन अभी मार्केट एकदम ऊपर चली गई है तो लोग कह रहे हैं कि भाई अभी तो परचेसिंग नहीं करेंगे, वो बाइकाट पे जा रहे हैं। तो बाइकाट अगर करेंगे तो आपकी नज़र में ये कैसा है, इस वक्त बाइकाट करना चाहिए या परचेसिंग करना चाहिए? जहाँ तक कि बॉयकॉट की बात है कि जब आपकी किसी चीज़ के रेट बढ़ते हैं ना, तो मेन चीज़ होती है उसमें डिमांड,
ठीक, जब डिमांड बढ़ेगी तभी रेट बढ़ेगा। बॉयकॉट के जरिए हम डिमांड क्या उस चीज़ के कम कर देते, यानी सप्लाई से भी कम डिमांड कर देते, जिसकी वजह से उस चीज़ के रेट जो है वो जो चल रहे होते हैं नॉर्मली उससे कम आ जाते हैं। या दुकानदार जो होता है वो चाहता है भाई इस चीज़ को जल्दी से बेच कर फारिग होकर जमा हो रही है, इसी तरह इम्पोर्टर चाहता है कि भाई इसको जल्दी से जल्द इतने कम नफे पे हो या रेट टू रेट करके निकल जाए। तो अगर वहाँ तक की पोजिशन में दोबारा आना है तो बॉयकॉट एक ऑप्शन है, नज़र आता है जो सामने है वो करना चाहिए, वो सही है। लेकिन जब अभी इस वक्त ऐसी कोई सूरत नहीं कि ये पैदा की गई। अच्छा, ठीक है। बॉयकॉट उस सूरत में जब हमें समझ आता है जब तो सूरत इम्पोर्टर्स की जानब से पैदा की जाती है, दुकानदार की जानब से पैदा की जाती है कि जिसमें वो माल को स्टॉक करके रोक लेते। ऐसा नहीं है क्या? ऐसा मामला है नहीं। अच्छा, ऐसे मामले गुज़िश्ता ज़माने में हुआ है जी, और उस पर बॉयकॉट ने काम भी किया है, लेकिन अब ऐसा मामला नहीं है। अभी ऐसा मामला नहीं, अब ऐसा मामला है कि भाई इम्पोर्टर के भी हाथ कटे हुए हैं, होलसेलर के भी हाथ कटे हुए, क्योंकि माल क्लियर नहीं हो रहा पोर्ट से। पोर्ट पर माल आ गया, वो भी चाहता है कि मेरा माल चला जाए, दूसरी कंसाइनमेंट आ जाए चाइना बंद होने से पहले, तो वो बिल्कुल उसका हाथ कटा था कि माल निकल ही नहीं रहा पोर्ट से, सब पैसे लगा दिए, सब कुछ कर दिया, हुकूमत ने पाकिस्तान क्लियर कर दी नहीं, ठीक है। तो इस वजह से बॉयकॉट जो है वो नहीं समझता कि इस सिचुएशन में फ़ायदा देगा। बाकी गुज़िश्ता सिचुएशन जी थी जब माल रेट 100 से ऊपर चला गया जी, तो उस वक्त बॉयकॉट किया गया और फायदा भी आया, उसका रिजल्ट भी आया और मार्केट में प्राइसेस नीचे भी आए थे। 3-4 महीने में आधो आध का फर्क आया। ठीक है, असल आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आजकल सब लोगों को अवेयरनेस इतनी है कि असल जो एक्चुअल प्राइस होती है जो चाइना से इंपोर्ट करते हैं इंपोर्टर बहुत ही लो प्राइस में करते हैं, सही। उसके बाद फिर वो जब मार्केट में दायरे जब सेल करते हैं तो उसमें और रेट में उनके रेट में जमीन आसमान का फ़र्क होता है, काफ़ी प्रॉफिट कमाते हैं। तो अभी जो सिचुएशन है वो ऐसा नहीं है कि मार्केट में डिमांड तो ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम कर दी गई है ताकि जो है शॉर्टेज हो जाए और रेट बढ़ा जाए? नहीं, ऐसे भी कोई सिचुएशन नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा सिचुएशन नहीं है जी। माल क्लियर हो जाएंगे, माल जैसे क्लियर हो रहे तो फौरन निकल भी है। अच्छा, क्योंकि पिछले दोनों जिनको एन टाइप और हाइमोसिक्स इतनी हाइप क्रिएट की गई कि लोग बस उसके अलावा कोई सोलर पैनल लगवा ही नहीं रहते, सबसे ज़्यादा डिमांड आ रही थी जिनको एन टाइप की और हाइमोसिक्स की। तो ये बताइए जिनको एन टाइप और हाइमोसिक्स अगर ये ना लगवाएं हमारे व्यूअर्स, इसके अलावा जिनकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है दूसरे पैनल की, अगर वो लगवा लें वो इंस्टॉलेशन करवा लें तो कि फ़ायदे में रहेंगे? फ़ायदा वहाँ होगा जहाँ प्राइस का हिसाब करते हैं, प्राइस से हम चीज़ का मुआवजा करते हैं जी। अब जैसे हम आमतौर पर देखा जाता है कि पी टाइप के रेट कम होते हैं, एन टाइप के रेट ज़्यादा होते हैं, इसी तरह लॉन्जी कंपनी में हम आ जाए तो हाइमो 5 के रेट कम होते हैं, हाइमो 6 के रेट ज़्यादा होते हैं, लेकिन गुज़िश्ता दिनों में हाइमो 6 के रेट हाइमो 5 से कम हो गए। जब हमारी जैसे कोई बंदा है उसको लॉन्जी कंपनी सही लग गई, अब वो उसमें चूज करना चाह रहा है मैं हाइमो 5 में या हाइमो 6 में, अगर सेम रेट पे हाइमो 5 हाइमो 6 मिल रहा है या फिर हाइमो 6 ₹1 या 50 पैसे पर वॉट जी हाइमो 5 से महंगा है, तो फिर समझ आता है कि आप हाइमो 6 का इंतखाब करें कि उसमें एफिशिएंसी जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, ठीक है। इसी तरह हम पी टाइप और एन टाइप की बात करते हैं, लेकिन पी टाइप और एन टाइप में अभी तक ऐसा कोई फ़र्क आया नहीं इतना कम। पी टाइप और एन टाइप में फ़र्क अभी जो आ रहे हैं ना वो ₹6 या ₹7, कम से कम ₹5 पर वॉट का फ़र्क आ रहा है, तो ये इतना ज़्यादा फ़र्क होता है कि जिसकी वजह से ये सब अकल नहीं समझती कि भाई 1% के लिए मैं ₹5 पर वॉट यानी 2500 ज़्यादा, यानी आप पूरा पैनल जो है वो ₹52 पर वॉट, ₹50 पर वॉट, या पिछले हम 2 हफ्ते पहले चले जाएं या 10 दिन पहले चले जाएं तो ₹42-44 पर वॉट के हिसाब से खरीद रहे होते हैं, और उसमें भी दुकानदार जो ग्राहक होते हैं बायर वो एक पैनल के लिए भी बहुत जिद कर रहा होता है कि यार नहीं इसमें आप 50 पैसे और कम कर दो, 25 पैसे और कम कर जी, इस तरह बहस करते हैं, लेकिन वो चाहिए एक पैनल होता है, लेकिन एफिशिएंसी के नाम पे वो 1% के लिए 2500-3000 देने के लिए तैयार होता है। अगर बंदा खुद हिसाब लगाए 500 का 1% बनता है 5 लाख,
बिल्कुल एक पर दो पैनल हम लगाते थे 500 वाट के जी। एक पैनल बना रहा होगा 500 वाट, 1% ज्यादा करके जो बना रहा होगा वो बना रहा होगा 505 वाट। ठीक है, तो 5 वाट के लिए आप 3000 देने के लिए तैयार, और 3000 से अगर आप 5 वाट का हिसाब लगाएंगे ना तो ये तकरीबन आपके 600 रुपए पर वाट बन जाएगा। सही है, ठीक, यानी एफिशिएंसी के नाम पे आप 1% के लिए कम हिसाब लगाएं 600 रुपए पर वाट देने के लिए तैयार है। ठीक है, और 1 रुपए पर वाट पे लड़ रहे हो दुकानदार से, ये 50.5 रुपीज पर वाट के लिए लड़ रहे हो दुकानदार से, यानी इससे सस्ता कर दो, तो फिर आपकी अकलमंदी समझ नहीं आती। सही, वहां तो आप 25 पैसे 50 पैसे भी बचा रहे हो पर वाट के, और यहाँ एफिशिएंसी के नाम पे आप 1% के लिए 3000 रुपए दे रहे हो। ठीक है, उसमें अकलमंदी ये है कि जब आपको दोनों मिल रहे हैं, पी टैप भी मिल रहा है, एन टैप भी मिल रहा है, और रेट में ज्यादा फर्क है, तो फिर आप एन टैप की तरफ ना जाओ, पी टैप उठा लो। ठीक है, वो फिर आगे आके लोग ये बोलते हैं कि भाई एन टैप जो है वो एडवांस क्वालिटी है और पी टैप जो है ये बैक क्वालिटी है, यानी अपडेट नहीं। बिल्कुल, तो देखा जाए ये पैनल है क्या जी? पैनल तो ये जो पैनल जो रखे हैं ना आपके सामने, ये सब कहलाते हैं मोनोपर, मोनोपर चाहे पी टैप हो, एन टैप हो या हेमोसिक्स हो जी, ये सब मोनोपर के नाम। ठीक है, अब मैंने पहले भी बताया था इसमें एफिशिएंसी बढ़ाने के तरीके होते हैं, उन्होंने तरीके इस्तेमाल किए, उससे एफिशिएंसी बढ़ गई, एफिशिएंसी भी 1% ज्यादा से ज्यादा बढ़ी है। ठीक है, रिजल्ट डेटा शीट वो सब बात हम मानते हैं। ठीक है, लेकिन जो हम देखते हैं भाई एक्सपीरियंस क्या है, एक्सपीरियंस ये कहता है कि सेम वेदर सेम कंडीशन सेम एरिया के अंदर आप अगर पैनल लगाते हो दोनों तो बहुत ज्यादा 1% एफिशिएंसी का फर्क है, सिर्फ 1%। हाँ, सिर्फ 1%, इससे ज्यादा नहीं आएगा। तो अब ये भी मोनोपर्क है, ये भी मोनोपर्क है, और यहाँ एन टैप रखा है, ये भी मोनोपर्क। ठीक है, इसमें इन्होंने बस बार ज्यादा कर दिया, इसको एन टैप कर दिया, इसमें बस बार पीछे कर दिया, उसको हेमोसिस कर दिया, इसमें बस बार वही है जो पहले हिसाब से, ठीक है, तो उसको भी पी टैप कर दिया। तो जब तक मोनोपर्क की जो हमारे पास ये इस तरह के पैनल आ रहे हैं ना मोनोपर्क जी जी, तब तक पी टैप आता रहेगा, तब तक एन टैप आता रहेगा, तब तक हेमोसिस आता रहेगा, तब तक हेमोफायर। हाँ, अगर इसके अलावा दूसरी को टेक्नोलॉजी आ जाए, ठीक है, जिसमें पूरा सेल एक ही लगा दिया गया या कुछ इस तरह का काम किया गया जिसकी वजह से बिल्कुल उसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ी, तो फिर समझ जाता है कि भाई अब आप ये टेक्नोलॉजी पीछे रह गई, अपडेट टेक्नोलॉजी को एडवांस टेक्नोलॉजी। अब ये अपडेट हम कहेंगे तो अपडेट दोनों पर, ये पी टाइप भी है दोनों पर, एन टाइप भी है, हाइमोसिस भी अपडेट है, आगे जाके ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि ये 2 साल बाद 3 साल बाद ये 5 साल बाद नापैद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छा सुनने में आ रहा है प्लेन के हाइमो 7 की एंट्री हो गई है या मार्केट में आया है भी नहीं? जी, ये मार्केट में आ चुका है और अक्टूबर या नवंबर 2023 में मार्केट में बिका भी था जी, लेकिन ये इसकी डिमांड ना होने की वजह से फिर इसको मंगाया है। ठीक है, अभी जो नया स्टॉक आएगा जैसे आपने अभी बताया, तो उसके प्राइस आपके तजर्बे की रोशनी में बताइए कि रेट अभी नीचे आएंगे? रेट आने तो है नीचे, उम्मीद है 90% उम्मीद है कि रेट नीचे आएंगे। आज 20 जनवरी है, 23 जनवरी 24 जनवरी 25 जनवरी तक इंशाल्लाह रेट नीचे होंगे। अच्छा, इसमें अगर कोई कस्टमर आपके पास आता है परचेजिंग के लिए तो आप उनके कंप्लीट वेरिफिकेशन करके देते हैं, स्पेशली जो वो डिमांड करते हैं कि कंप्लीट डॉक्यूमेंट चाहिए, तो इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को क्लियर कर दीजिए। सबसे पहले तो कस्टमर को डॉक्यूमेंट्स का पता होता है नहीं कि डॉक्यूमेंट्स होते कितने, अक्सर कस्टमर के बात साफ किए मामला। अब डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, हमें जिन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है वो होते हैं 3, एक डेटा शीट, एक PSI रिपोर्ट जिसे प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन के, और एक COC सर्टिफिकेट जो SGS कंपनी की जानब से दिया जाता है पैनल। तो ये 3 पहले ये 3 जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो काफ़ी होते हैं, ठीक है, वेरीफाई करने के। और अगर ये डॉक्यूमेंट्स वैसी जरूरत जब पड़ती है जब आपको नेट मीटिंग करानी हो, ठीक है, ठीक है, जब आप दुकानदार से डॉक्यूमेंट्स लें, और अगर आपने वेरिफिकेशन करनी है तो वेरिफिकेशन तो बहुत आसान है, आप डेटा शीट लें, पैनल के सीरियल जो है जी, सीरियल कोड जो है, सीरियल नंबर, उसको आप डेटा शीट पे चेक करें जी, चेक कर लिए पैनल उसी डेटा शीट का मालिक को मसला नहीं। अब आप डेटा शीट को गूगल पे जाके स्कैन कर दें वो आपको बता दे कि भाई ये पैनल इस कंपनी का। सिर्फ जिनको ही कंपनी का मसला ये है कि उन्होंने एक एप्लीकेशन बनाई है, वो भी ही iOS पे एप्लीकेशन बनाई, यानी एप्पल कंपनी के जितने भी ब्रांड होते हैं और जिनके एप्पल के ID हो उस पर वो एप्लीकेशन आ सकती है और एप्पल स्टोर से, बाकी प्ले स्टोर पर वो एप्लीकेशन नहीं होगी।
है, तो फिर उससे एप्लीकेशन का नाम भी बता देते हैं जी। एप्लीकेशन का नाम है जिंको फ्लैश ट्रैक, ठीक है। उस पर जाके अगर आप उसके सीरियल नंबर डालते हैं या सर स्कैन करते हैं तो उसके बारे में फ्लैश रिपोर्ट पैनल की यानी पूरी जानकारी दे देता है। ये भी बताया जाता है कि इस पैनल को इम्पोर्ट किस इम्पोर्टर ने करा, इन्फॉर्मेशन आ जाती है। हाँ, इतनी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, रेट नहीं देता, बाकी बता देते इतने यानी इस पैनल का जो पैनल आया उसको किस इम्पोर्टर ने इम्पोर्ट किया, ये तक भी बता देता है। आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत जब है कि जब आप नेट मेट्रिक करा रहे हो, ताकि जब आपके पास नेट मेट्रिक के लिए अप्रूवल देने के लिए ऑफिसर आता है नेप्रा की जानिब से, या फिर जो आपके इलाके के वो है शहर के जो इलेक्ट्रिक के इदारे हैं, जैसे कराची का के इलेक्ट्रिक है, तो वो उनके अफसर जब आए आपके पास वेरिफिकेशन करने के लिए, तो फिर उन्हें आप मुहैया कर सको, दिखा सको, भाई ये देखिए CPSI है, ये इसकी CSE पैनल। सही, अभी आपके पास कौन कौन से सोलर पैनल है डिटेल से बताइएगा। आज मेरे पास अभी तीन पैनल्स मौजूद है, तीन तरह के, एक लॉन्जी हेमोसिक्स 585 वॉट, जिंको एनटेक 575 वॉट और राइजन 550 वॉट। जी ये आपके सामने जिंको एनटेक है, ये मेरे पास 575 वॉट में अवेलेबल है, मोनोफेशियल है यानी सिंगल ग्लास में, डबल ग्लास वाला नहीं है, और इसकी आज की कीमत जो है ये है 55 रुपीज़ पर वॉट। इसकी वारंटी क्या मिलेगी? इसकी वारंटी 12 साल की होती है। 12 साल की वारंटी होती है, पैनल है बड़ा वाला, ये ए ग्रेड टियर 1 का, इस सब की वारंटी 12 साल। इसकी लाइफ कितनी होती है उसने? इसकी एस्टिमेटेड लाइफ जो होती है 20 से 25 साल, 20 से 25 साल बाद ये अपने एफिशिएंसी खोना शुरू करेगा, ठीक है। इसके बाद? इसके बाद हमारे पास लॉन्जी हेमोसिक्स है, लॉन्जी हेमोसिक्स मेरे पास 585 वॉट में अवेलेबल है, ये भी मोनोफेशियल है यानी सिंगल ग्लास है, और ये इसके रेट है 53 रुपीज़ पर वॉट। 53 रुपीज़ पर वॉट जी। डिमांड आजकल किन दोनों पैनल की आ रही है? ये हेमोसिक्स और एनटेक दोनों की डिमांड ज़्यादा है, ठीक है। इसके बाद? इसके बाद मेरे पास राइजन में पैनल अवेलेबल है 550 वॉट, ठीक है, पी टाइप है, और ये मिल जाएगा 50 रुपीज़ पर वॉट के हिसाब से, 50 रुपीज़ पर वॉट के हिसाब से मिल जाएगा। जो भी करंट प्राइसेस थे वो आपने बता दिए। रेट्स के हवाले से जो अभी सिचुएशन चल रही है, हमने इतनी बात करी है इतनी वीडियो में जितनी भी, तो वो रेट अभी नेक्स्ट वीक तक, जैसे आपने कहा सोलर पैनल लगवा लेना चाहिए या वेट करना चाहिए? ये अभी रेट्स बढ़े भी हैं तो इतने बड़े ज्यादा नहीं बढ़े, ठीक है, ठीक है। जैसे हम माजी में देखिए 100 रुपए पर वॉट तक रेट चला गया, 80 रुपए पर वॉट तक चला गया, तो अभी ये तकरीबन 55 रुपए पर वॉट 50 रुपए पर वॉट तक खड़ा हो रहा है, इससे ऊपर नहीं है, 55 तक ज़्यादा से ज़्यादा महंगा पैनल जो 55 रुपए पर वॉट पर मिल जाता है, तो इतने ज़्यादा रेट है नहीं। अगर खुदा ना खास्ता, मैं ये भी कह रहा हूँ कि भाई 90% चांस है कि रेट के अगले हफ्ते, ठीक है, अगर रेट बढ़ जाता है तो ये बढ़ेगा 10 रुपये 15 रुपये 20 रुपये पर वॉट, ठीक है, सही, चांस बढ़ने का 10% है, लेकिन 10% भी पॉसिबल, कम होने के चांसेस हैं, कम होने के चांसेस ज्यादा हैं। जो देख रहे हैं ग्राउंड रेले की जो हमारी दिख रही है वो ये दिखा रही है कि भाई 90% चांस है कि गिरेगा, वापस वही रेट आएगा जहाँ पहले था, लेकिन 10% चांस ये भी है कि रेट बढ़ भी सकता है, अच्छा, ठीक है। जब रेट बढ़ जाएगा तो ये 20 रुपए 25 रुपए पर वॉट डायरेक्ट अगले हफ्ते में शूट कर जाए, ठीक है। तो अब जैसे पहले कहा तक मैंने रिस्क देखा जाता है कि किस हाल में रिस्क लिया जाए, जब भी आगे इस तरह की प्राइसेस का रिस्क लिया जाता है तो उस वक्त देखा जाता है भाई में क्या हिसाब है, बढ़ने के चांसेस कितने, कम होने के चांसेस, अब देखा जा रहा है कि भाई कम होने के चांसेस है 10 रुपए पर वॉट जी, और बढ़ने के चांसेस 20 से 25 रुपए पर वॉट, तो बढ़ने का रिस्क यानी नुकसान का रिस्क ज्यादा है, तो उस वक्त अगर हिसाब किताब लगाया जाए तो बेहतर ये होता है कि आप ले लो, अगर कम होगा तो इतना को बड़ा नुकसान नहीं होगा, लेकिन बढ़ गया तो फिर नुकसान होगा, आगे जाके चांसेस बढ़ने के ज़्यादा हैं, यानी आफ्टर फरवरी मार्च में चांसेस हैं 90% के रेट अभी जो 47 या 55 पर ही 65 से ऊँचा हो, तो बेहतर ये है कि आप इतना लंबा नहीं जाओ, इतना लंबा नहीं सोचो यार अगले महीने लो अगले हफ्ते लो, कोशिश करके पैनल जमा कर लें कि ये आइटम ज़्यादा जम कर लिया। शॉप का एड्रेस है सदर कराची रिगल चौक
सलमत रोड जोरा हाइट शॉप नंबर 4, ठीक है। और पीटीसीएल नंबर है 02135212883 और दो व्हाट्सएप वाले नंबर हैं, एक है 03102858952 और दूसरा नंबर है 03240298538, ठीक है। शॉप की टाइमिंग क्या है? शॉप की टाइमिंग सुबह दोपहर 12:30 बजे से रात 9 बजे, ठीक है। और संडे क्लोज है? संडे क्लोज, ठीक है। बहुत शुक्रिया स्नेहल, आपने हमारे व्यूवर्स के लिए लेटेस्ट अपडेट शेयर की, बहुत शुक्रिया।